From the 10th class, in the chapter of optics, there is total internal reflection, and in that total internal reflection part, we have mirage formation. So there we, not only you, we all have studied that for the formation of mirage, the total internal reflection is responsible. And this is the traditional study in, especially most of the part in India. Like in the America and else countries where they have quantum knowledge of in the very basic classes, they don't use this phenomena for the formation of the mirage. And in India also, there are a lot of good books. They don't consider mirage in the example of total internal reflection. You will not find mirage formation in the H.C. Verma part 1 book, Geometrical Optics. Verma sir has not explained mirage under the total internal reflection. So what is mirage? If we have this layer, especially in the case of desert mein agar ek layer hai yahan par, to is layer par agar refractive index hum n not consider kar le, to jaise jaise hum upar chalte hain to garam hawa ki wajah se ye refractive index mein changes aate hain. यहाँ पर हॉट एयर है जिसकी वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने पर हमारा इंक्रीज होता है ड्यू टू चेंज इन द डेंसिटी. यहाँ पर डेंसिटी की वजह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा. तो मिराज फॉर्मेशन कुछ ऐसा बताया जाता है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर एक कोई पेड़ है हमारा, ये कोई डिजर्ट में अगर कोई एक ट्री है, तो उस ट्री से हमारी एक रे ऐसे आती है. और यहाँ पर बताया जाता है हमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ अगर एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसको ये नीचे की तरफ दिखाई देता है. तो ये जो ट्री है उसको नीचे की तरफ दिखाई देता है, जिसको हम मिराज फॉर्मेशन पढ़ते हैं. तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, हम देखेंगे उसको. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के सारे रूल्स को फॉलो करता है. और रिफ्लेक्शन का रूल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर. पहली बात, दूसरी बात जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये ग्राफ हमारा पैराबोला का होता है, 11th के स्टूडेंट्स ये जानते होंगे. 10th क्लास के बच्चे जो समझना चाहते हैं उन्हें ये याद करना पड़ेगा. देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा. हम नॉर्मल बनाते हैं, अगर यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये लाइट रे जो यहाँ से आ रही है ये ग्राउंड के पास आकर के हॉरिजॉन्टल हो जाती है, क्योंकि कर्व जैसे जा रही है, ठीक है, कर्व के तरीके से. तो ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री. और सिंस यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री है हमारा, तो ये रे हमारी ऐसे चली जानी चाहिए. लेकिन ये रे जाती कैसे है, इस तरह से. ये मेन प्रॉब्लम है.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ तक तो होता है, दैट्स ओके, यहाँ तक होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट इसके बाद जो हमारा पार्ट है ये कर्व की तरह क्यों जा रहा है? मिराज तो तभी बन रहा है ना जब ये कर्व की तरह के यहाँ पर जाएगी लाइट रे, पर्सन जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसके आँख में पड़ेगी और उसके बाद ये इमेज फॉर्मेशन होगा। लाइट रे जब यहाँ पहुँचेगी तभी मिराज फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कर्व पाथ आ रहा है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम प्रूव करते हैं जो कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो जो मेन बात है हमारी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ तक हुआ, आई इज इक्वल टू 90, तो रिफ्लेक्शन के लिए आई इज इक्वल टू आर, तो आर भी 90 होना चाहिए, लाइट रे ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे न जा करके लाइट रे ऐसे जाती है। बहुत आसान प्रूविंग है, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक थोड़ी सी नई चीज़ आएगी। हम थोड़ा सा इसको फिर से बनाते हैं, ये दोबारा मैंने बनाया हुआ डायग्राम। यहाँ पर स्नेल्स लॉ को हमें समझने के लिए, स्नेल्स लॉ का एक रिफ्रैक्शन का सिंपल सा डायग्राम है कि लाइट रे आ रही है थीटा वन एंगल पर, थीटा टू एंगल पर जा रही है और मीडियम से एनवायरन एट टू है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, दैट इज एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू, दैट मीन्स एन साइन थीटा इक्वल्स कॉन्स्टेंट। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये स्नेल्स लॉ का एक नया फॉर्म जो कि कुछ डिफरेंट, डिफिकल्ट नहीं है ना ही कुछ डिफरेंट है, एन साइन थीटा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, मतलब कि हमारा जो ये एंगल कहीं पर भी हम ले लें, यहाँ पर एक हम ले लें जनरल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऊपर जाने पर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है डेंसिटी की वजह से, तो यहाँ पर कुछ दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा यहाँ के कंपेयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए पूरे पाथ में, पूरे पाथ में। ठीक है, तो इस जगह पर हमारा एंगल था 90 डिग्री, तो अगर इस कांस्टेंट को हम के कह लें तो एन साइन थीटा इक्वल्स के, और इसको हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो यहाँ एंगल हमारा 90 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने नॉट लिया है, तो एन नॉट साइन 90 इक्वल्स के, सो के इक्वल्स एन नॉट। तो यहाँ पर जो हमारा ये कांस्टेंट है जो थ्रू आउट पूरी हमारी पाथ में कहीं पर हम पुट कर सकते हैं वो हमारा एन नॉट है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या होता है कि हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि डेंसिटी अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये जो एन नॉट है हमारा, हमने एक्स एक्सिस इधर लिया है वाई एक्सिस इधर लिया है, एन नॉट ऊपर जाने पर बढ़ रहा है और ये लीनियरली बढ़ता है, मतलब विथ वन पावर। तो ऊपर जाने पर हमने मान लिया कि यहाँ पर ये एन नॉट प्लस अल्फा एक्स, हम जब ऊपर जा रहे हैं तो एक्स के साथ में ये अल्फा एक कांस्टेंट है जिसके साथ में ये इस तरीके से बढ़ रहा है ऊपर जाने पर, जहाँ अल्फा हमारा बहुत छोटा होता है। तो इस जगह पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है हमारा और एंगल थीटा है, तो एन साइन थीटा इक्वल्स कांस्टेंट अगर यहाँ पर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, एन नॉट प्लस अल्फा एक्स साइन थीटा इक्वल्स के, के की वैल्यू एन नॉट है यहाँ पुट कर दें एन नॉट। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स एन नॉट अपॉन एन नॉट प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, ये हमारा कर्व है, ये कर्व तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि किसी भी कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है और वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टेन थीटा, और ये साइन थीटा हमारे पास है, साइन थीटा की हेल्प से अगर हम टेन थीटा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन एन नॉट प्लस अल्फा एक्स
होल स्क्वायर माइनस एन नॉट स्क्वायर अंडर रूट। ओके सो इसको हम लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एन नॉट स्क्वायर से एन नॉट स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास बचेगा टू एन नॉट अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अल्फा बहुत छोटा होता है तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये टर्म हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। नेगलेक्ट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एन नॉट अपॉन ये वाला टर्म सिर्फ टू एन नॉट अल्फा अंडर रूट में और दूसरे अंडर रूट में एक्स। थोड़ा सा इसको हमने रीअरेंज कर लिया। ठीक तो हमारे पास अभी डी वाई बाई डी एक्स बचा, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एन नॉट टू अल्फा वन बाई अंडर रूट एक्स। सो डी वाई इज इक्वल टू एन नॉट टू अल्फा अंडर रूट वन बाई अंडर रूट एक्स। ठीक है, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डी एक्स आएगा तो टू टू। ठीक, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, वेरी सिंपल, सॉरी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो आता है वो हमारा वन बाई टू रूट एक्स आता है। मतलब टू रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो अंडर रूट एक्स आएगा, मतलब इतने का हमारा, इतने का, सिर्फ इतने का जो इंटीग्रेशन आएगा वो अंडर रूट एक्स आएगा। और डी वाई का इंटीग्रेशन हमारा हो गया वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, एक टू है तो टू एन नॉट अपॉन अल्फा, ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा टू एन नॉट अपॉन अल्फा इंटू एक्स। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इलेवेंथ क्लास के बच्चों के लिए, ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए, तो बहुत सिंपल है। ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, जहाँ पर 4a की वैल्यू ये है। तो ये कर्व हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। तो जो हमारी लाइट रे ये कर्व पाथ में जा रही है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं जा रही, वो लाइट रे हमारी जा रही है स्नेल्स लॉ की हेल्प से। स्नेल्स लॉ का एक वेरिएंट जो क्या है, n साइन थीटा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, हमने इसकी हेल्प से ये पूरा कैलकुलेशन निकाला है। और ये जो पाथ गया है हमारा, इस पाथ की हमने इक्वेशन निकाली तो वो पाथ हमारा क्या आ रहा है, पैराबोला। इसीलिए ये लाइट रे जो हमारी जाती है, ये लाइट रे ऐसे जाती है पूरा यहाँ तक एक पैराबोला का शेप बनाते हुए, और ये लाइट रे ऐसे जाती है, इसको जब हम पीछे मिलाते हैं तो हमारी एक इमेजिनरी इमेज मिलती है, वर्चुअल इमेज, जो उसको हम मिराज बोलते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ कहाँ तक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ यहाँ तक है कि लाइट रे हमारी बेंड हो रही है, लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम वाला, लेकिन वो इस पाथ में क्यों जा रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट एक्सप्लेन दैट। ओके सो वी कैन प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।